देश भर में सोयाबीन की आवक बढ़कर 5 लाख बोरी होने लगी है, जिसमें से मध्य प्रदेश में सोयाबीन की आवक 2,80,000 बोरी के करीब देखने को मिली है। इंदौर मंडी में सोयाबीन 4,800 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है, वहीं एवरेज 4,200 से 4,500 रुपए प्रति क्विंटल तक बोला जा रहा है, जबकि प्लांट खरीदी भाव 50 से 75 रुपए बढ़कर 4,950 से 5,050 तक पहुंच गए हैं। दरअसल बारिश की वजह से सोयाबीन में नमी की मात्रा बढ़ रही है, जिससे प्लांटों को लागत ऊंची बैठ रही है। सोया तेल में त्योहारी मांग का दबाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जबकि पाइपलाइन खाली होने के कारण कीमतों में तेजी को सपोर्ट मिला है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सोया तेल 50 रुपए बढ़कर 1,290 से 1,300 रुपए दर्ज किया गया, जबकि मूंगफली तेल में भी तेजी देखने को मिली। वहीं पाम तेल इंदौर भी 30 रुपए बढ़कर 1,030 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुंच गया था। कई व्यापारियों का कहना है कि बारिश और त्योहारों की वजह से आवक का दबाव बढ़ना मुश्किल है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दिवाली तक खाद्य तेलों में लंबी मंदी की गुंजाइश नहीं है, और उम्मीद की जा रही है कि दिवाली के आसपास खाद्य तेलों की कीमतों में मांग के चलते तेजी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।